डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रिड्स मेजर्स। इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं एफ ओपन फंक्शन, दैट इज फाइल ओपन फंक्शन। तो फाइल हैंडलिंग में जब भी हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास आता है एफ ओपन फंक्शन, क्योंकि फाइल हैंडलिंग जो है सी प्रोग्रामिंग में तीन स्टेप में हम लोग करते हैं। पहले फाइल को ओपन करना या क्रिएट करना, फिर फाइल को मॉडिफाई करना, अपेंड करना, और फाइनली फाइल को क्लोज करना। तो इसीलिए अपेंड और क्लोज तो बाद में होंगे, पहले फाइल को ओपन करना और क्रिएट करना तो सीख लो। तो इसीलिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है, दैट इज एफ ओपन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एफ ओपन इज अ सी लाइब्रेरी फंक्शन यूज टू ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल और क्रिएटिंग अ न्यू फाइल। मतलब एफ ओपन के बारे में अगर आपसे पूछ ले तो नाम से लगता है कि फाइल को ओपन करना है। ओपन करने का मतलब क्या है कि मेरे पास डिस्क में, डिस्क मतलब परमानेंट स्टोरेज डिवाइस, हार्ड डिस्क की बात कर लो आप, लेट्स से हार्ड डिस्क में कोई फाइल है, उस फाइल के ऊपर सीपीयू ने कुछ काम करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, फाइल को पहले रैम के अंदर लेके आते हैं, फाइल को पहले रैम में लेके आएंगे, रैंडम एक्सेस मेमोरी में लेके आएंगे, ताकि उसको फास्टली एक्सेस कर सके, तेजी से उसको एक्सेस कर सके सीपीयू और काम कर सके। तो जब भी हम फाइल को डिस्क से रैम के अंदर लेके आते हैं, इसका मतलब क्या बना कि फाइल मेरी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थी और उसको मैं डिस्क के अंदर लेके आया, मतलब उसको ओपन किया, ठीक है ना। जैसे हम नॉर्मली अपने लैपटॉप में फाइल को ओपन करते हैं डबल क्लिक करके, तो वो क्या है, एक तरह से फाइल को ओपन करना। अगर फाइल नहीं है, अगर फाइल वहां पे नहीं है, तो क्रिएट करना है उस फाइल को। तो इसीलिए याद रखना, एफ ओपन इज नॉट ओनली फॉर ओपनिंग अ फाइल विच इज ऑलरेडी देयर, नो, वो तो काम करता ही है, साथ ही साथ आपने फाइल का नेम दिया, लेट से कोई नाम दे दिया F1, और आपको लगा कि ये डिस्क में तो F1 नाम की कोई फाइल ही नहीं है, तो डोंट वरी, इट विल क्रिएट, मतलब ये फाइल को क्रिएट भी करता है। तो पहला पॉइंट तो ये याद रखना। दूसरा, अगर हम बात करें तो फाइल ओपन, जैसा कि आपको पता है कि यार ये है क्या, एफ ओपन एक फंक्शन है, तो फंक्शन हमेशा कुछ रिटर्न भी करेगा। तो फंक्शन जब भी कुछ रिटर्न करेगा, तो ये वाला फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, देखो आपके सामने है फाइल थी जी, लेट से F1 कोई फाइल थी डिस्क के अंदर, मैं उस फाइल को रैम के अंदर ले आया और सीपीयू उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर रहा है, मतलब फाइल को ओपन कर दिया। अब फाइल को ओपन करने का मतलब क्या है, जब ये फाइल रैम के अंदर आई तो वहां पे कोई ना कोई स्पेस तो इसको मिलेगा, कोई ना कोई एड्रेस तो इसको मिलेगा, जहां पे आके वो एक तरह से टेम्परेरली स्टोर होगी, टेम्परेरली नॉट परमानेंट, क्योंकि रैम है। तो यहां पे वो किसी एड्रेस पे, लेट्स सी एड्रेस है 1000, तो उस एड्रेस के ऊपर कोई ना कोई पॉइंटर जो है वो पॉइंट कर रहा है, तो दैट इज व्हाट रिटर्न बाय द एफ ओपन। तो एफ ओपन क्या रिटर्न करता है, वो रिटर्न करता है पॉइंटर, जो पॉइंट कर रहा है उस फाइल को जिस एड्रेस पे वो फाइल पड़ी है, मतलब एक तरह से एक पॉइंटर है जो इस 1000 को पॉइंट कर रहा है। तो आपको बाय डिफॉल्ट एक पॉइंटर मिल गया, उस फाइल को पॉइंट कर रहा है, आप उस पॉइंटर का नाम दे दो, लेट से मैंने नाम दे दिया FP, कुछ भी नाम दे दो, जैसे हम वेरिएबल को नाम देते हैं। तो यहां पे मैंने एक FP पॉइंटर दे दिया, उसमें एक तरह से 1000 एड्रेस आ गया, तो एक तरह से ये किसको पॉइंट कर रहा है, उस F1 फाइल को पॉइंट कर रहा है जो कि रैम में आ गई, बस ये कहानी है। तो F ओपन के बारे में आपको पूछना है कि ये क्या रिटर्न करता है, ये रिटर्न करता है पॉइंटर विच इज पॉइंटिंग टू दैट फाइल। तो ये हो गया यहां पे। दूसरा, अब मैंने आपको बोला कि ये क्या है, एक फंक्शन है, तो फंक्शन में क्या होते हैं, पैरामीटर्स भी पास करते हैं। तो यहां पे हम कौन से पैरामीटर्स पास कर रहे हैं, एक तो क्या है, फाइल का नेम, आप क्या पास कर सकते हो, फाइल का नेम, जिस फाइल को आपने ओपन करना है या जिस नाम की फाइल को आपने क्रिएट करना है, अगर वो नहीं है तो आप उस नाम का फाइल जो है वो दे दो। दूसरा, हम यहाँ पे क्या दे सकते हैं, क्या सर हमेशा हम नाम देना पड़ेगा, अगर हमें फाइल का पाथ पता है तो हम वो नहीं दे सकते, यस, आप फाइल का पाथ भी दे सकते हो। जैसे हम नॉर्मली, जैसे हम ओपन करते हैं ना C:#, फोल्डर का नाम, फिर इस तरीके से, तो वो आप जो है वो कोई ना कोई पाथ जो भी है फाइल का वो भी दे सकते हो, दोनों ऑप्शंस आपके पास है। दूसरा, हम इसमें क्या कर सकते हैं, Character Star Mode। Character Star Mode का मतलब क्या है, आप इसमें इसके साथ साथ क्या दोगे, आप दोगे यहाँ पे कि ये फाइल को किस मोड में ओपन करना है, क्या सिर्फ फाइल को रीड ओनली मोड में, राइट मोड में, रीड राइट में, अपेंड मोड में, वो अभी आपको बताता हूं। तो आपको किस मोड में ओपन करना है वो चीज भी आपको बतानी पड़ेगी। तो ये दो चीजें होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें, यहां पे क्या लिखा है, कांस्टेंट लिखा है। कांस्टेंट लिखने का मतलब क्या है कि ये थ्रू आउट द प्रोग्राम ये चीज क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। जैसे हम वेरिएबल के आगे अगर कांस्टेंट कर दें, जैसे पाई की वैल्यू है, अब मुझे पता है पाई की वैल्यू तो 3.14 ही है, अब पूरे प्रोग्राम में मैं चाहता हूं कि कोई और वैल्यू ना ले सके, हमें पता है कि
कॉन्स्टेंट वैल्यू है, तो इसी तरीके से हम इन दोनों चीजों को कॉन्स्टेंट ही लेके चलते हैं, दैट इज थ्रू आउट द प्रोग्राम ये सेम ही रहेगी। तो ये चीज आपको पता लग गई। अब आपके दिमाग में आएगा, सर ये कैपिटल में ये क्या लिखा है, एफ आई एल ई, क्या ये हमेशा लिखना पड़ता है? यस। अब देखो जी, ये एफ आई एल ई फाइल ये क्या है, ये एक तरह से स्ट्रक्चर है, डेटा टाइप है, जो हम यहां पे दे रहे हैं ना कि यार यहां मैंने एक पॉइंटर पास कर दिया, ये पॉइंटर जो है वो डिक्लेयर कर दिया, जिसमें फाइल का एड्रेस है जो कि पॉइंट कर रहा है उस फाइल को। बट इस पॉइंटर का टाइप क्या है, इंटीजर है, वेरकैर है, नंबर है, कैरेक्टर है, क्या है उसका टाइप है फाइल। ये फाइल सर कौन सा होता है भैया, फाइल एक क्या है, फाइल एक स्ट्रक्चर होती है जो कि डिफाइंड है आपकी stdio में, क्योंकि फाइल हैंडलिंग में हमें अलग से कोई आपको हेडर फाइल की जरूरत नहीं है, stdio को ही यूज करोगे। उसी stdio में फाइल नाम का एक स्ट्रक्चर जो है वो डिफाइंड है ऑलरेडी, आपको डायरेक्ट यूज करना है और कैपिटल लेटर में ही हमेशा लिखना है। अब इसके अंदर होगा क्या, इस स्ट्रक्चर में आपको क्या मिलेगा, इस स्ट्रक्चर में होती है जो फाइल आप ओपन कर रहे हो या जिस फाइल को आप क्रिएट कर रहे हो उसका मेटा डेटा। मेटा डेटा, अब ये मेटा डेटा क्या होता है, ये तो पहली बार सुना है भैया। मेटा डेटा होता है डेटा अबाउट डेटा, मतलब आपने कोई फाइल ओपन की, उस फाइल में जो भी कंटेंट था, टेक्स्ट डेटा था, इमेजेस थी, व्हाटएवर, वो तो उस फाइल का डेटा हो गया, लेकिन फाइल की अपनी भी तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, अपनी भी तो कुछ प्रॉपर्टीज है, वो क्या होंगी, फाइल का नेम, फाइल का स्टेटस, फाइल की परमिशंस, फाइल के अंदर जो कंटेंट है, जो मेरा एक तरह से पॉइंटर है वो किस जगह पे पॉइंट कर रहा है, फाइल के अंदर जो मेरा पॉइंटर है करंट पोजीशन उसकी क्या है, वो सारी चीजें जो है वो एक तरह से किसमें डिफाइंड होती हैं, ये फाइल जो स्ट्रक्चर के अंदर डिफाइंड होती हैं। तो इसीलिए जब भी हम फाइल को ओपन करते हैं, आप राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज चेक करते हो ना फाइल की, जिसमें उसकी परमिशंस, लास्ट मॉडिफाई कब किया था, फाइल का साइज क्या है, फाइल का स्टेटस क्या है, फाइल का नेम क्या है, वो सारा मेटा डेटा कहलाता है। और वो सारा एक तरह से किसी भी फाइल को ओपन कर रहे हो उसका जो मेटा डेटा होगा वो आपका इस फाइल में डिफाइंड है, ठीक है ना। तो ये ऑलरेडी आपको अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी उन्होंने डिफाइन कर रखा है, वो स्ट्रक्चर जो है वो फाइल के अंदर डिफाइंड है, ठीक है। अब आप इसको देखते हैं, पूरी कहानी को एक प्रोग्राम में देखते हैं जी। अब देखो, जैसा कि मैंने पहले ही बोला है, stdio.h हेडर फाइल आपको इंक्लूड करनी है, कोई एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है। दूसरा इंट मेन आपको पता है, यहां पे स्टार्ट हो गया, लो जी फाइल स्टार fp, आप कोई भी नाम यहां पे दे सकते हो, ठीक है ना। हम जनरली फाइल पॉइंटर यूज करें तो fp इस तरीके से यूज कर लेते हैं, मैक्सिमम टाइम पे ये दिखेगा, लेकिन आप abcd व्हाटएवर नेम यू वांट टू गिव आप दे सकते हो। तो पता लग गया जी स्टार fp क्यों लिखा है, क्योंकि ये एक पॉइंटर है जो पॉइंट करेगा फाइल को जहां पे वो रैम के अंदर पड़ी है, और उसका टाइप क्या होगा, file, that is file, ठीक है। अब देखो जी, fp is equal to fopen file1.txt, ये क्या है, ये पहला पैरामीटर, कि हम पैरामीटर में क्या दे रहे हैं, वो फाइल का नेम जिसको हमने ओपन करना है, अगर नहीं है वो तो उसको क्रिएट करना है। तो ये हो गया file1.txt उसका नाम, आप यहां पे पाथ भी दे सकते हो, ठीक है। अब देखो ये क्या रिटर्न करेगा, इस फाइल के कॉरस्पॉन्डिंग ये फाइल जो है रैम में किस एड्रेस पे पड़ी है वो रिटर्न हो जाएगा fp के अंदर, और fp जो है वो पॉइंट करेगा उस फाइल की तरफ, ठीक है ना, ताकि हम उसके ऊपर कुछ काम कर सके, हमें एड्रेस पता होगा तभी हम उस फाइल के अंदर कुछ राइट कर सकते हैं, उससे कुछ रीड कर सकते हैं, अपेंड कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज मोड, जो मैं आपको बोल रहा था ना कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड होते हैं फाइल के ऊपर, कि आप फाइल के ऊपर करना चाहते हो क्या, रीड करना चाहते हो, राइट करना चाहते हो, अपेंड करना चाहते हो, तो लेट्स से मैंने यहां पे क्या लिखा, आर लिखा, आर का मतलब होता है रीड। अभी आपको बताता हूं सारे मोड, तो रिटर्न कुछ भी नहीं करवाना हमें, लो जी ये हमारा सिंपल सा प्रोग्राम हो गया। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं यहां पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड। तो सबसे पहले आ गया आर, जो कि मैंने प्रोग्राम में यूज किया, क्या कह रहा है, सर्च इज द फाइल, आर क्या करेगा, सर्च करेगा फाइल को, ओपन द फाइल फॉर रीडिंग ओनली, मतलब फाइल को सिर्फ आप रीड कर सकते हो, उसमें कुछ चेंज, अपडेट, अपेंड नहीं कर सकते। आप कई बार होता है ना कि फाइल को सिर्फ रीड करना है, उसमें हम अपेंड की परमिशन किसी को नहीं देनी, तो फाइल को सिर्फ रीड मोड में ओपन करेगा। इफ द फाइल इज ओपन सक्सेसफुली, एफ ओपन लोड इट इन द मेमोरी, ठीक है, जैसे फाइल मिलगी लोड कर देगा मेमोरी में, एंड सेटअप अ पॉइंटर विच पॉइंट टू द फर्स्ट कैरेक्टर इन द फाइल, फाइल के अंदर जो पहला कैरेक्टर होगा ना उस पे पॉइंट करेगा, ताकि आप रीड कर सको। जैसे बुक ओपन की, पहले पेज के पहले अक्षर पे आपका पॉइंटर आ गया, रीड करना स्टार्ट करो, बस सिंपल सी कहानी है। इफ द फाइल कैन नॉट बी ओपन, एफ ओपन रिटर्न करेगा नल, मतलब फाइल का अगर ओपन नहीं हो रही तो एक तरह से क्या होगा, नल जो है वो रिटर्न करेगा। दूसरा डब्ल्यू, सर्च इज अ फाइल, इफ द फाइल एग्जिस्ट ऑलरेडी, इट
इट्स कंटेंट आर ओवर रिटन, मतलब आपने कुछ फाइल में ओवरराइट करना है, ऑलरेडी कुछ कंटेंट है ठीक है लिखा होगा, लेकिन आप चाहते हो कि मैं उसमें कुछ ओवरराइट करना है, कुछ और लिखना है, तो आप वहां से W के थ्रू, क्योंकि ये राइट मोड में ओपन हो रही है, अपडेट मोड में, ताकि आप उसमें कुछ चेंज कर सको. इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, अ न्यू फाइल इज क्रिएटेड. यहां पर क्या है, अगर फाइल उस नाम की फाइल नहीं होगी ना, तो ये नल दे देगा. आपने कोई फाइल का नाम लिखा F1, वो फाइल है ही नहीं थी, तो क्या होगा, ये नल जो है वो रिटर्न कर देगा. अगर वो फाइल होगी तो उसको रीड मोड में ओपन कर देगा. यहां पे देखो क्या डिफरेंस है, ये राइट मोड में ओपन कर रहा है. राइट मोड में ओपन करने का मतलब है आप उसमें कुछ ओवरराइट कर सकते हो, और अगर फाइल ही नहीं है उस नाम की तो ये क्रिएट भी कर देता है. ठीक है ना, ये क्रिएट भी कर देता है. इट क्रिएट्स अ न्यू फाइल फॉर राइटिंग ओनली, सिर्फ राइट मोड में ओपन करेगा, उसको रीड नहीं कर सकते. तीसरा आ गया जी A, दैट इज अपेंड. अपेंड क्या कहता है, इफ द फाइल इज ओपन सक्सेसफुली F ओपन लोड्स इट इन द मेमोरी. ये तो पता ही है, सेट अप अ पॉइंटर दैट पॉइंट टू द लास्ट कैरेक्टर इन इट. अपेंड का मतलब क्या होता है, Add at the end. Append मतलब add at the end. ये क्या है? Read करेंगे तो starting से read करेंगे. और append मतलब add at the end. मतलब किसी भी चीज को add करना last में. तो file में जो भी content लिखा हुआ है, लिखा रहने दो. ये pointer जो है वो last पे चला जाएगा. आप उसके बाद कुछ भी नया add करना चाहते हो कर सकते हो. तो ये उसमें help करता है. और दूसरा, If the file does not exist, a new file is created and it will be created in the appending mode only. ठीक है ना, तो append mode में नई file बना देगा अगर उस नाम की file ना हुई. ठीक है, then R plus. अब R के साथ क्या आ गया, plus आ गया. R plus का मतलब क्या है, ओपन अ फाइल फॉर बोथ रीड एंड राइट मोड. ठीक है ना, अकेला आप सिर्फ रीड मोड में, ये रीड और राइट दोनों मोड में ओपन करता है. बाकी की कहानी वही है, लोड करेगा मेमोरी में एंड सेटअप अ पॉइंटर विच पॉइंट टू द फर्स्ट करेक्टर. वो कहानी सेम है, बस ये रीड और राइट दोनों मोड में ओपन कर रहा है. डब्ल्यू प्लस ये क्या कर रहा है, इफ द फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट इट्स कंटेंट आर ओवर रिटन. सेम है, इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट अ न्यू फाइल इज क्रिएटेड. द डिफरेंस बिटवीन डब्ल्यू एंड डब्ल्यू प्लस इज दैट वी कैन ऑल्सो रीड द फाइल क्रिएट यूजिंग W प्लस. वहां पे क्या था, सिर्फ राइट मोड में ओपन करता था, ये राइट के साथ साथ आप रीड भी कर सकते हो. और इन दोनों में क्या फर्क है, अगर फाइल नहीं हुई उस नाम की तो वो नल दे देगा, इसमें क्या, अगर फाइल नहीं हुई उस नाम की तो वो क्रिएट कर देगा. ठीक है, देन ए प्लस. ए प्लस क्या है, अपेंड का आगे प्लस आ गया. इसमें क्या है, फाइल इज ओपन सक्सेसफुली. ठीक है, लोड इट इन द मेमोरी, सेट अ पॉइंटर एट द लास्ट. ठीक है जी, ये भी हो गया. इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट अ न्यू फाइल इज क्रिएटेड. द फाइल इज ओपन फॉर रीडिंग एंड अपेंडिंग राइट एट द एंड ऑफ द फाइल. वहां पर रीडिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं था, यहां पर रीडिंग राइटिंग जो है वो सारे के सारे आ गए. तो इसीलिए आपको मेन डिफरेंस जो है वो इन चीजों में पता लग गए. हाँ, इसमें एक और वेरिएशन आ जाती है कि ये सारी जो है वो टेक्स्ट फाइल से रिलेटेड है. अगर आप बाइनरी फाइल के ऊपर, जनरली हम बाइनरी फाइल के ऊपर काम ही नहीं करते, 0-1 की फाइल, हम तो टेक्स्ट मोड में काम करते हैं हमारा डाटा. लेकिन अगर बाइनरी फाइल होती है तो बस आर के साथ बी आ जाएगा, डब्ल्यू के साथ बी आ जाएगा, ए के साथ बी आ जाएगा, बाकी की कहानी सेम ही है. ऐसे ही प्लस प्लस आ जाएंगे. ठीक है ना, तो उसमें अलग से 6 मोड बन जाएंगे. तो आपको कहानी जो है वो पता लग गई. तो ये जो है वो एफ ओपन से रिलेटेड सारी कहानी आपको बता दी. Thank you.